कि हम मूल निवासी हैं, हम आदिवासी हैं, लेकिन जैसा कि चर्चा है झारखंड में सरना धर्म कोड के लिए प्रस्ताव पास, हम में से कुछ लोग गोंडी धर्म कोया पुणे मानते हैं, लेकिन वरिष्ठ लोग बैठे इन्होंने शायद रजिस्ट्रार जनरल को जब पत्र लिखा तो उनका कहना था कि 625 जातियां अगर इस देश में है, छत्तीसगढ़ में कितना है, 42 नंबर है, उसके अंदर अगर उप जातियां जाएंगे लगभग वो भी 200 है, गोंड के अंदर में 16 है, 16 वैसे ही सभी जातियों में 4-5 करते कर 200 सुपर है, तो अगर सभी अच्छा इतनी अवधारणा है या पारंपरिक बीच में कड़ी है, एक दूसरे से हम अपने आप को लगभग अलग पा, हम यहाँ अगर ध्रुव गुण कह रहे हैं तो कहीं पर कुछ और बस्तर आते आते तक कोया पुणे हो जाते हैं या कोया हो जाते हैं, यह इतना विशालता हम अपने हृदय में लायक है। जब तक हम सरकार से मांगे या कहीं हाथ फैला के बात करें उसके पूर्व विशालता हमें दिल से लाना पड़ेगा कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, इसको स्वीकार करना। समाज की हर सभा में गोंड कंवर हलवा भील सभी सभा में, खाली धर्म परिषद में बैठक होगा तो एक अलग से संस्था बन जाएगी, जो मेरा अनुभव कहता है अच्छा वो तो आदिवासी धर्म संगठन वाले। ये चर्चा जब तक हर समाज के संगठन के रोटी बेटी की बैठक सामाजिक परिचर्चा में नहीं आएगा तब तक उत्साहपूर्वक हम अपने आप को आदिवासी धर्म कोड के लिए तैयार नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ा टास्क। अभी जरूरी क्यों है इसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर के प्रधिकरण करेंगे, लेकिन मेरी नजर में जो समझ में आता है सेंसस ही वो माध्यम है जिससे आपको अधिकार मिलता है। हमारा 5 सीट चला गया, विधानसभा गया ना प्रदेश से, लोकसभा के एकमात्र सीट को मैं आदरणीय पटेल जी का फिर अभिनंदन करना चाहूंगा। पूरे देश में एकमात्र एक ऐसे सांसद जिसने अपनी टिकट की परवाह न करते हुए लोकसभा सीट को बचा पाए, आदरणीय सोहन। तो ये तो इकलौते ही, लेकिन 5 सीट इसी प्रदेश से चला गया और कितनी जनसंख्या पर हमारा 32%, मतलब एनसीटी में अगर देखें आसपास के पूरे प्रदेश महाराष्ट्र झारखंड उड़ीसा तो सबसे डेंस पॉपुलेशन, सबसे एजुकेट पॉपुलेशन और सबसे संपन्न पॉपुलेशन कहीं है तो छत्तीसगढ़ में आसपास, लेकिन हम 5 सीट बिना लड़े को इसलिए स्वीकार करूंगा कि 5 सीट में मंत्री भी थे और विधायक भी ट्राइबल थे, और ये सारी बातें सेंसस से आता है कि जब तक सेंसस स्वीकार नहीं करेगा कि ये आदिवासी धर्म कोड के लोग हैं तब तक आपकी सुरक्षा कैसे। मैं फिर कभी धाम में आता हूं, जिस जगह में झंडा के नाम पे विवाद उड़ गया, पूरे बस्तर में विवाद उड़ गए और सरगुजा का हाल छुपा नहीं है, हम ही दो धर्म बट के आपस में उलझ गए हैं और एक दूसरे के बखान में इतने मगन हैं कि जो बीच के हम बसते हैं वो कभी इसको गाली बकते हैं, इसको गाली बकते हैं, और यहाँ तक कि राजनीतिक स्तर पर हो गई है कि हमको समाज तोड़ने वाले लोग भी कहा जाता है। सच कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? तो ये स्वीकार्यता परिवार में मातृशक्ति से लेकर युवकों में आए कि हम मूलतः आदिवासी हैं, जिस दिन दिल में आ गया तो सेंसस में लिखने के साथ साथ हम स्टैटिक्स ऑफिस हर करेक्टर को जाके पहले दे सकते हैं आवेदन, लेकिन खाली गोंड समाज या कंवर समाज के दिन नहीं होगा, सामूहिक रूप से जब सभी समाज लिख के देंगे इन सब बातों को लिखते हुए आर्टिकल 25 26 28 और एबोरिजन सब लिखित सभी स्टैटिक्स ऑफिसर सभी तहसील ऑफिस में देंगे तो ये माहौल बनना शुरू है। कि मैं 2011 में अपने एक उदाहरण देता हूँ, मैंने कटवा पेंसिल लेके आया था ना सेंसस पर, कभी पेंसिल ही भरते धारण किया, इससे लिखता है पेंसिल से, वो कौन आता है, कोई भी छोटा कर्मचारी, उसको नहीं पता कि आदिवासी धर्म कुछ होता है, एसटी कहो तो एसटी लिखते हैं, एसटी कहो तो एसटी, और जहां अपने गोण कहा वो बाद में जाके हिंदू लिख के जमा करते हैं, ये होता है ना, जबकि उसमें से 60% कर्मचारी आदिवासी। यहां तो नहीं कहता लेकिन शेड्यूल एरिया में निचले स्तर के पूर्णतः कर्मचारी आदिवासी। तो ये एक बड़ी लड़ाई पुनः
अपनी संस्कृति को स्थापित करने के लिए, क्योंकि सत्ता जो होती है यहाँ चार स्तंभ मानते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक दूसरा मानते चौथा स्तंभ मीडिया। चारों में आप कहीं दिखते हैं क्या? कहीं दिखते हैं आप लोग? और इन सब के ऊपर कौन सत्ता चलता है? इन चारों के ऊपर कौन सत्ता चलता है? वर्चस्ववाद जाति। ये सच है कि आप कलेक्टर भी होगे, लेकिन वहां का बाबू अगर अभिजात के वर्ग हुआ वो आपको चला दे। सरकारी बदलती हम खुश हो जाते हैं, बीजेपी गई खुश, लेकिन आज फिर किसकी सरकार है? कांग्रेस की। पैसा और उच्च वर्ग वाले सरकार मानते हैं हम। ये स्वीकार जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक भाव नहीं पहचानेंगे, उसका इलाज नहीं। आज भी समाज बटा हुआ है। अगर मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री गाली बोलूं तो कुछ ना मुझे गाली बोलना शुरू करेंगे, बड़ा होशियारी राजनीति करने आ गया। लेकिन वास्तव में सरकारें बदलती है। सरकार में 30 विधायक हमारा है और हम यहाँ बैठ के धर्म संसद की बात कर रहे हैं, जबकि वो एक घंटे में एक मिनट प्रस्ताव ला के विधानसभा से पास करा सकते। इस चिंतन को कैसे खोड़ा है? कि आप जितने बैठे हैं गंभीरता से बैठे, मुझे मालूम है ये संख्या कम हो सकती है, लेकिन क्षमता कम नहीं हो सकती। कल ही की बात है, मेरे घर की बात है, मतलब मैं छुप दोस्त घर में सगाई थी। बिटिया हमारी यूक्रेन से पढ़ के आई MBBS की, सगाई भी दूसरे प्रदेश से हुआ, लेकिन वहां पर दूसरे धर्म संस्कृति गायत्री मंत्र से सगाई हो रहा है। ये स्थिति है सच्चाई। लड़ना तो हमें अपने आप से पड़ेगा। ठीक है, आदरणीय मुंडा जी, आदरणीय बकड़े जी, सोहन पटेल जी लड़ेंगे, क्या क्या भी विषय पर लड़ेंगे, लेकिन आज संकल्प लेके जाना पड़ेगा हमको और सभी समाज। हम जब बात करते धर्म की बात करते हैं, गौड़ समाज बस खड़े आते हैं, वो कोई गोया पोयम करता है, कोई आदि धर्म करता है, कुछ करता है, लेकिन बाकी और भी जो छोटे समाज है, बैगा, विधवा, नागरजी, कंवर, सांवरा, उससे हम अछूते हैं। और वही लोग फिर राजनीतिक चश्मे में आकर हमें फिर गाली बकते हैं। इसका निराकरण हमारे पास है। कैसे हम इसको आत्मसात करें? सबसे पहले तो अपनी सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करें और सच्चाई को स्वीकार करें कि जब तक आपका सेंसस में अलग से पहचान नहीं दिखेगा, ये दिए हुए अधिसूचना आर्टिकल्स आपको अलग से लागू नहीं होगा। रूरल ट्राइब का मतलब खाली सरकार ने जो कह दिया वो नहीं होगा, आपके आत्मसात और संस्कृति में शामिल होगा। तब आपको संविधान के 16, 14, 15, 19 सबसे बड़ा धारा है 19, उसमें दो बड़ा डिप्लोमेटिक और डायलमा मतलब कुहकों की बातें हैं। उसमें लिखा है कि रूढ़िजन्य परंपरा को विधि का बल है, लेकिन जिस दिन से 1951 में आत्मार्पित किया गया था संविधान, उस दिन ये भी लिखा गया था आर्टिकल 19 में कि इसके पहले जितने भी सूचना शासन करने की नीति या अधिसूचना है वह सब इस कानून के अंतर्गत आ जाए। लेकिन शेड्यूल एरिया में कुछ ताकत बची है, इसको पहचानना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब तक सेंसस में आपकी अलग से एक पहचान नहीं बनेगी, इस देश में आपको अधिकार नहीं देंगे। आजादी के पहले ढिंढोरा पीटने वाले लोग को बताना पड़ेगा कि 254 रियासत हमारा, 254 रियासत, पूरे देश के संसाधन, किसी को पता भी है? अभी भी आप गूगल खोलिए, रिसोर्स आप छत्तीसगढ़ लिखिए, आपको एकदम दिख जाएगा स्पष्ट कि आज भी जिस क्षेत्र को सांसद रहे पटेल साहब, क्षेत्र को नेतृत्व करते हैं, 600 साल तक खोदोगे वहां के लोग तब भी विश्व को पूर्ति करते हैं। और छत्तीसगढ़ और आदिवासी जनता क्या है? गरीब। विधानसभा से लेकर लोकसभा में एक ही चीज कहा जाता है, गरीब आदिवासियों के हित के लिए हम योजना बना रहे हैं। किसी ने आज तक विरोध किया? किसी ने विरोध किया?
हमारे माँ बाप भी बच्चों को कहते हैं बेटा हम गरीब आदिवासी हैं, वो काहे के राजा महाराजा की बात। अगर लोहा कोयला पानी हीरा तांबा अनाज संसाधन है, किसके पास है? किसके पास है? हमारे जमीन में है, हमारे पुरखों की जमीन में है। भारत की आजादी तो 1951 के संविधानिक बनाने के बाद है, उसके पहले मालिक तो हम रहे ना। आज भी देश के 90% संसाधन हमारे ही जमीन के अंदर है, जिसको सरकार नहीं ले सकती, प्रावधान संविधान में है, लेकिन एक्ट बना के सब कर। इसलिए भी ये गंभीर है कि आपकी एक अलग से पहचान सेंसस में 9 करोड़ मूल निवासी जिनके दम पे भारत देश का निर्माण हुआ, नहीं तो बाकी प्रांत सब कबीलों में बटे हुए थे। आज हमें अधिकृत रूप से, आप कोडिंग देखिए ना, एक छोटी सी बात बता दूं मैं, स्कॉलरशिप कितना मिलता है? 400 की 600। बड़ा बड़ा होर्डिंग रायपुर से लेकर यहाँ तक रहेगा, मुख्यमंत्री दान करता, हमारा गरीब आदिवासी लड़की से खड़ी रहेगी या हमारा बुढ़ा किसान, मैंने अनाज दिया, मैंने स्कॉलरशिप दिया। दाँत तो उनके पूछो अपने बाप घर से दिया क्या? और उसी दूसरे तरफ व्यवसायियों का 1500 करोड़ माफ होता है, अगर एक प्लांट 20 करोड़ है 30% डिस्काउंट मिलता है। कितना हिसाब लगाइए, किसी पेपर या होर्डिंग में पढ़े दुर्भावना किसे कहते हैं।